को अंजाम। जरा गौर से देखिए पुलिस के शिकंजे में आए इन दोनों युवकों को। इनमें से एक अभरनी चौराहा बलदेव का रहने वाला नीरज तो दूसरा नगला चिरंजी जमुना पार का रहने वाला बंगाली सिंह है। इन छात्रों के छात्राना अंदाज के बारे में यदि आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अमूमन अपहरण की वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी लोग हथियारों का या वाहनों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये छात्र ना तो किसी हथियार का इस्तेमाल करते थे और ना ही किसी वाहन का, क्योंकि जिस व्यक्ति का ये अपहरण करना चाहते थे वो व्यक्ति खुद ही चलकर इनके पास आ जाता था। आप सोचेंगे भला ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना अपहरण कराए, तो हम बताते हैं आपको इन छात्रों के अपहरण का तरीका। दरअसल इन दोनों छात्रों के साथियों समेत एक गैंग है। इस गैंग में वो इस्तेमाल करते हैं एक लड़की का। पहले तो लड़की अपहरण करने वाले को अपनी मीठी में फंसाती थी और प्रेम भरी बातों में जब आदमी फंस जाता था तो वही लड़की जो कि इन छात्रों की साथी हुआ करती थी वो अपने बताए ठिकाने पर सामने वाले व्यक्ति को अपने यहाँ बुला लेती थी। जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास पहुँचता तभी छात्र गैंग के सदस्य उसको बंधक बना लेते थे और उसके बाद होती थी फिरौती की मांग। कुछ ऐसा ही हुआ थाना हासा का रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले सुनील कुमार के साथ। सुनील कुमार को इन छात्र गैंग की सदस्या ने मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसे मथुरा बुलवा लिया और यहाँ उसको बंधक बनाने के बाद 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मथुरा पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में स्वाट टीम और यमुनापार पुलिस को लगाया और संयुक्त टीम ने सर्विलांस की मदद से जब कड़ी से कड़ी जोड़ी तभी पुलिस के हाथ लग गई ये दोनों शातिर। हालांकि इनके 4 साथी अभी फरार बताए गए हैं जिन्हें पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। अब जरा आप भी जान लीजिए कि यदि कोई महिला का या किसी युवती का फोन आपके पास आ रहा है और वो आपसे मीठी मीठी बातें कर रही है तो सावधान हो जाइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला शिकार आप ही हो। उसमें एक मिस्टर बिरिचंद थे जो टीचर हैं जिनका अपहरण हुआ था और यहाँ पे जाकर के थाना सदर में बरामद हुए थे और प्राइमा फेसी जो उनपे था पैसा मांगने का आरोप लगा था, सेम केस था इसी तरीके का, और उसके बाद इनपे गैंगस्टर लगा और ये फिर बेल से छूट करके बाहर आए, जिसका मुकदमा अपराध संख्या इसमें प्रेस रोड पर डाल दिया है ना पीछे। ये पूरा का पूरा केस हुआ था जो अक्टूबर महीने में हुआ था, ये उसी के मुल्जिम है। ध्यान देने वाला एक है, ये महिला के माध्यम से किसी को कॉल करते हैं और जैसा पिछली बार भी हुआ था, और कॉल करने के बाद ये 15 दिन से इनकी डायलॉग चल रही थी जिससे बात हो रही थी, लेडीज अलीगढ़ की हैं, 15 दिन से डायलॉग चल रही थी और उसके बाद ये जो अपहरित है ये उनसे बात करने के लिए उसके चक्कर में इन लोगों ने जैसे जमुना होता है कि जब उन्होंने बात किया वो आए वहाँ पे, उन्होंने अपना उनको कुछ चीज़ें उन्होंने बातचीत में उनको फंसाया, फंसाने के बाद इज्जत का जिसको कहते हैं ना कि मतलब ब्लैकमेल करने का उन्होंने अपने ग्रिप में लिया, फिरौती की स्टार्ट करी क्यों भाई से फिर आए और आते आते इन्होंने फिर उसको किया। इसके परिवार वालों ने स्वाट टीम को बताया, स्वाट टीम इसमें 2 दिन से लगातार कॉन्टिन्यूस इसमें लगी हुई थी और लगातार हम लोग इनके नंबरों को सर्च कर रहे थे, नंबरों पे बात सुनते और अंत में जाकर के ये पकड़े गए। अब जो मुकदमा लिखा गया ये मुकदमा पूरा डिटेल हमने इसको फर्द ने भी खोला, अब हम जो इनकी गिरफ्तारी किए हैं इसका पिछली, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि सभी जगह जाता है फ्रॉम लोअर कोर्ट से लेके अपर कोर्ट तक हाई कोर्ट तक ये पेपर प्रोड्यूस होता है, तो सीसीटीवी का निकाल करके तस्वीर निकाल करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, स्क्रीनर भी कराऊंगा आपके माध्यम से, मैं कह रहा हूँ ये गैंग रजिस्टर्ड होगा। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल ग्राम अखा गोवर्धन सौंक मार्ग मथुरा, यहाँ आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा,
योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य। करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।